इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें, ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। दोस्तों ये थे अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे 2011 में कि मैं कुर्सी मिलते ही बदल जाऊंगा, और 2015 में हमने इनकी इस बात का संज्ञान ना लेते हुए इनको दिल्ली का सीएम बना दिया। अब अरविंद केजरीवाल सीएम बन चुके हैं और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस 2011 और 2015 के बाद के अरविंद केजरीवाल में है। 2011 का अरविंद केजरीवाल जाति पाति धर्म प्रांत नहीं करता था, लेकिन 2015 से 18 तक का अरविंद केजरीवाल जो है वो केवल जाति पाति धर्म प्रांत करता है, और हर उस बात में जो नेशनल सिक्योरिटी या फिर नेशन का मुद्दा बनता है उसमें केवल जाति पाति धर्म प्रांत देखता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य यह है कि हम विवेक तिवारी मर्डर केस के बारे में बात करना चाहते हैं। विवेक तिवारी मर्डर केस जो कि हो सकता है एक सेक्युलर मर्डर होता जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही ना जाता, वो एक कॉम्युनल मर्डर हो गया। हम आपको इस वीडियो में सेक्युलर और कॉम्युनल मर्डर के बारे में बताने वाले हैं कि सेक्युलर मर्डर क्या होता है या कॉम्युनल मर्डर क्या होता है। सेक्युलर मर्डर वो होता है जिसमें देश के किसी भी व्यक्ति को, कोई भी लिबरल को फर्क नहीं पड़ता कि वो जो व्यक्ति मरा है वो कौन है, क्या है, उसके मुद्दे को नहीं उठाया जाता। वहीं दूसरी ओर कॉम्युनल मुद्दा वो होता है जिसके ऊपर हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के लिबरल्स ये जांच लेते हैं कि भाई इसकी मृत्यु से हमें पॉलिटिकल गेन हो सकता है, और उसकी मृत्यु को उठाया जाता है सरकार पर तंज कसने के लिए। तो यहां से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि सेक्युलर और कॉम्युनल मृत्यु कैसी होती है। तो विवेक तिवारी एक सेक्युलर मृत्यु होती क्योंकि वो एक अपर कास्ट ब्राह्मण थे, और अपर कास्ट ब्राह्मण के मरने से किसी को कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब योगी आदित्यनाथ के राज में अपर कास्ट ब्राह्मण पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने गोली चलाई, तो यहां से यह बन जाता है कॉम्युनल मुद्दा। और ये कहा जाता है कि योगी के राज में जब ब्राह्मण ही सेफ नहीं है तो बाकी लोग क्या सेफ होंगे। अरविंद केजरीवाल इस पर ट्वीट लिख देते हैं कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और भाजपा ये कहती हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की रक्षा के लिए है, वहीं ये दूसरी ओर हिंदू ब्राह्मणों पर गोलियां चलवा रहे हैं। तो यहां से साफ हो जाता है कि हिंदुओं की भी सरकार ये नहीं है और हिंदुओं को जागना चाहिए। तो ये जो कमेंट्स थे ये पूरा का पूरा घेराव करने के विषय में किए गए थे। उधर से शैला राशिद एक कमेंट लिखती हैं और उसमें वो लिखती हैं कि अगर ये मुसलमान होता तो इसको टेररिस्ट घोषित करके इस एनकाउंटर को सही प्रूव कर दिया जाता, लेकिन क्योंकि ये अपर कास्ट ब्राह्मण है इस वजह से इस बंदे को उठाया जा रहा है, एस्केलेट किया जा रहा है और पुलिस पर तंज कसे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो विवेक तिवारी की धर्मपत्नी हैं जिनका नाम कल्पना तिवारी है, उन्होंने अपनी पति की मृत्यु पर यह कहा कि जब तक योगी आदित्यनाथ मुझे नहीं आकर मिलते तब तक मैं अपने पति की लाश को नहीं जलाऊंगी। मेरी पति से रात के 1:30 बजे लास्ट बात हुई, उन्होंने बोला कल एप्पल की लॉन्चिंग थी, लॉन्चिंग में लेट हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि नीतू बस मैं सना को ड्रॉप करके घर आ रहा हूँ 2 बजे तक। मैंने कहा ठीक है, 2 बजे तक मैंने वेट किया। 2 बजे से मैं बराबर अपने हस्बैंड के दोनों मोबाइल पे कॉल लगा रही हूँ, बराबर रिंग जा रही थी, कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। फिर 3 या 3:15 बजे मुझे एक आदमी ने फ़ोन उठाया और उसने ये बताया कि आपके हस्बैंड को और जो मैडम थी उनको थोड़ी थोड़ी चोट लग गई है, उनकी मलहम पट्टी हो रही है लोहिया में मैडम। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, तो उसने कहा मैं लोहिया का कर्मचारी बोल रहा हूँ। पुलिस का फ़ोन क्यों नहीं आया कि उनका एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ है। और फिर जब अभी मैं जाके सब कुछ देख करके आ रही हूँ तो गाड़ी पे सामने से गोली मारी गई है। पुलिस बता रही कि हम ये करके भाग गए, वो करके भाग गए। गोली अगर वो लड़की के साथ थे, मैं पुलिस की बात मानती हूँ कि संदिग्ध हालत में लड़की के साथ थे, तुम पकड़ते, कार्यवाही करते। वो गाड़ी नहीं रोक रहे थे, तुम RTO ऑफिस जाके गाड़ी का नंबर नोट करते, RTO ऑफिस जाते, एड्रेस पता करते, यहाँ से आके गिरफ्तार करके ले जाते ना। गोली क्यों मारी भाई, गोली क्यों मारी,
एक निर्दोष आदमी को किसने मार दिया गया? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को कल को क्या बताऊंगी कि तुम्हारे पापा को किस लिए गोली मारी गई थी? पुलिस ने गुमराह किया पूरे मामले में, पूरे मामले में पुलिस ने गुमराह किया है और आला अधिकारी सिर्फ और सिर्फ लिपापोती करने में लगा। हाँ, मैं मुख्यमंत्री से मांग करती हूँ वो आए यहाँ पे और मेरे से पहले बात करें, उसके बाद ही जो भी होगा बॉडी का वो होगा। तो इसके बाद कल्पना तिवारी ने अपनी कुछ डिमांड्स भी रखी, योगी आदित्यनाथ उनसे आके मिले, उन डिमांड्स को पर्चे पर लिखा गया और उन डिमांड्स को पूरा भी करने का आश्वासन दे दिया गया। और उसके बाद कल्पना तिवारी ने योगी सरकार के बारे में ये कहा कि उन्हें पूरा फेथ है योगी गवर्नमेंट पर और उनको लगता है कि जो भी वो कह रहे हैं वो पूरा कर देंगे। तो जैसे ही इन्होंने ये कहा वैसे ही हमारे लिबरल्स के सुर बदल गए और हमारे लिबरल्स जो अब तक कल्पना तिवारी के बारे में बात कर रहे थे, विवेक तिवारी के बारे में बात कर रहे थे, अब उनका स्टांस पूरा चेंज हो गया। जैसे ही कल्पना तिवारी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अपना फेथ जताया वैसे ही एक कमेंट आता है, एक ट्वीट आता है सुभोजित का और उसमें लिखा जाता है कि भाई ये तो फॉर्चुनेट है कि योगी आदित्यनाथ आकर इनसे मिले और हम अपने जो मुद्दे हैं अब लेस फॉर्चुनेट लोगों के लिए उठाते हैं, इनका क्या है ये तो फॉर्चुनेट है। उधर से इस ट्वीट को रीट्वीट करती हैं शैला राशिद जो कि जेएनयू की स्टूडेंट हैं, पीएचडी वहां पर कर रही हैं और अभी तक कर ही रही हैं। तो शैला राशिद इस मुद्दे को उठाती हैं और कहती हैं कि भैया देखिए मिडिल क्लास जो है ना वो समझ नहीं सकता, हमें तो लोअर क्लास वाले लोगों को ही उठाना पड़ेगा, उन्हीं की बातों को उछालना पड़ेगा क्योंकि मिडिल क्लास असली मुद्दे को नहीं समझता है। उधर फिर जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे को जाति पाति का मुद्दा बना दिया, धर्म का मुद्दा बना दिया, वैसे ही कल्पना तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया और कल्पना तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि योगी गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट कभी भी जाति पाति का कोई इशू नहीं उठाती है और जाति पाति में देश को नहीं बांटती है, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। केजरीवाल जी से क्या बात हुई, उनका फोन आया था, फिर बात हुई आपकी? उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की जरूरत है तो हम तैयार हैं, हमें बताइए, हमारा पूरा सहयोग है आपके साथ। किसी बात पर आपको ऐसा भी लगा कुछ राजनीति कर रहे हैं वो, इस तरह कोई बात उन्होंने कही हो? नहीं, मुझे किसी ने सवाल किया था कि वो जातिवाद पे बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि केजरीवाल जी इतने सिंसियर आदमी होकर के ऐसी कैसी बात कर सकते हैं, इसमें मुझे जरूरत है सपोर्ट की, ये जातिवाद तो कोई मामला नहीं है, हर चीज को जातिवाद से नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलने, क्योंकि मोदी जी की सरकार में जातिवाद को कभी बढ़ावा नहीं मिला है, हर वर्ग का हर तबके का ध्यान रखा गया है, यही इस बात का ध्यान सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कल्पना तिवारी के ऐसा बोलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने अपना जाति पाति का ये जो भद्दा खेल है ये जारी रखा और उसके बाद भी कई ऐसे ट्वीट किए जो बेहद शर्मनाक थे। ये कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी है, ये कहते हैं हम हिंदुओं का, इसीलिए मैंने ये आईना दिखाने के लिए उनको आज ये ट्वीट किया कि तुम कहते हो हम हिंदुओं की पार्टी है, तुम कहते हो हम हिंदुओं की रक्षा। विवेक तिवारी जी तो हिंदू थे, फिर तुम उनको यातनाएं क्यों दे रहे हो, उनका एनकाउंटर तुमने क्यों कराया, उनको तुमने क्यों मारा, उनके हत्यारे को थाने में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, तो विवेक तिवारी जी के साथ ये अन्याय क्यों, वो तो हिंदू थे, हिंदू को तो न्याय दिलाओ, तुम कहते हो हम हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं को न्याय दिलाओ। फिर असलियत ये है ये ना हिंदुओं की पार्टी है ये ना मुसलमानों की पार्टी है, इनको ना हिंदुओं की चिंता है ना मुसलमानों की चिंता, ये सत्ता के लालची लोगों की पार्टी है, सत्ता पाने के लिए इनका बस चले सारे हिंदुओं को एक साथ बिठा के कत्ल कर दे, ये लोग बीजेपी वाले ऐसे हैं, ये हिंदू दलित अपर कास्ट इस तरीके की बातें वो करते हुए दिखाई दिए। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि सेक्युलर मृत्यु और कम्युनल मृत्यु क्या होती है, तो विवेक तिवारी की इस मृत्यु को कम्युनलाइज किया जा रहा था क्योंकि ये जो मौत हुई ये अपर कास्ट ब्राह्मण की मौत योगी सरकार के अंदर योगी सरकार की पुलिस के द्वारा हुई, तो इसको कम्युनलाइज करने का पूरा एक बहाना मिल गया। वहीं दूसरी ओर दो दलित बच्चे बंगाल में बंगाल की पुलिस के द्वारा मार दिए गए, उनके ऊपर
ना तो केजरीवाल बोले, ना हमारी लिबरल मीडिया बोली, ना शैला राशिद बोली, ना जेएनयू बोला, और उन दलित बच्चों की मृत्यु को सेक्युलर मृत्यु बना दिया गया। जबकि आप हर जगह देखते हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर दलित की मृत्यु हो तो उसको कॉमनलाइज किया जाता है, वहां पर मुसलमान की मृत्यु हो तो उसको कॉमनलाइज किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर एक दलित की मृत्यु ममता बनर्जी के राज्य में होती है तो उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई एक ट्वीट तक नहीं करता। और अरविंद केजरीवाल जो कि बढ़ चढ़कर यूपी में हुई इस मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने एक बार भी इस्लामपुर में हुए उस दंगे के बारे में कुछ नहीं कहा जो पुलिस ने वहां पर बच्चों के ऊपर किया। जी हाँ, वो दंगा सा ही था जो पुलिस उन बच्चों के साथ कर रही थी, वो एक बर्बरता थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। वहां के बच्चे केवल एक डिमांड रख रहे थे कि हमें उर्दू नहीं बंगाली पढ़नी है, हमें उर्दू का टीचर नहीं बंगाली का टीचर चाहिए, हमें उर्दू का टीचर नहीं मैथ्स और साइंस का टीचर चाहिए। लेकिन उनकी इस डिमांड में ममता बनर्जी को अपनी पॉलिटिक्स नहीं दिखाई दे रही थी, तो इस वजह से उन बच्चों को मार दिया गया। और उन पुलिस वालों पर अब तक क्या जांच हुई है वो आप खुद गूगल करके देख सकते हैं। यहां पर एटलीस्ट उस पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर FIR दर्ज की गई है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इस्लामपुर में हुए उस कांड के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है आप खुद गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यूपी में हुए इस कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी चुप थी। भारतीय जनता पार्टी के 13 बड़े नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा, उनको कहा कि क्या हो रहा है ये देश में, क्या हो रहा है ये यूपी में, इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी, आप इस बात का संज्ञान लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई है, कॉमनलाइज नहीं किया लेकिन आवाज़ उठाई है। वहीं सेम तरीके से आवाज़ उठाई गई इस्लामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ता को बंद करने का, बंगाल को बंद करने का फैसला लिया 26 तारीख को। अब उस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ वो देखने लायक है। बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को भगा भगा कर पीटा गया। 5,000 लोगों का एक हुजूम जो कि CPI और TMC के लोगों का एक हुजूम था, वो आ गया सड़कों पर और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीति की जा रही है दोनों ही मुद्दों पर। एक तरफ है बंगाल का ये चेहरा जहां पर महिलाओं के ऊपर लात मारी जा रही है, महिलाओं को कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विवेक तिवारी केस में उसको कॉमनलाइज किया जा रहा है, वहां पर बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसके ऊपर कोई नहीं बोलता, यहां पर सब उसको कॉमनलाइज करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल से हमारा एक प्रश्न ये भी है कि कल देर शाम को एक हिंदू व्यक्ति जिस जो 31 वर्ष का था और अंकित गर्ग उसका नाम था, वो व्यक्ति मुसलमानों द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमानों की बच्ची के साथ प्रेम करता था, तो उसको मारे जाने पर आपने अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? आप यूपी पर तो बोल रहे हैं लेकिन दिल्ली में हुए इस कांड के बाद बारे में आप कब बोलेंगे? तो ये भी आप हमें क्लियर कर दीजिए। यहाँ से साफ हो जाता है कि अंकित गर्ग की जो मृत्यु है वो एक सेक्युलर मृत्यु है और अरविंद केजरीवाल इसके ऊपर कभी नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ इस मुद्दे को देश का मुद्दा बनाइए, इस मुद्दे को आगे लेकर जाइए और एक्सपोज कीजिए इन सभी लिबरल्स को जो हमारे देश का नासूर बनते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें अगले लेवल पर ले जा सकते हैं हमें Patreon पर हेल्प करके। वहीं साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध ये करते हैं कि आप हमें Facebook, Twitter और Instagram पर ज़रूर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।